सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। अपराध को मिलेगा अंजाम, फांसी का फंदा है तैयार, मथुरा का फांसी घर बनेगा गवाह, भारत में पहली बार महिला अपराधी को होगी फांसी। क्या आपको मालूम है स्वतंत्र भारत में अभी तक कितने लोगों को फांसी हुई है या कितने लोगों को फांसी की सजा मिली है, या आजाद भारत में पहली फांसी किसको दी गई थी? तो आइए आज हम आपको बताते हैं। भारत में 1948 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। बता दें कि भारत में अंतिम बार 20 मार्च 2020 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में निर्भया के चारों आरोपियों को फांसी दी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक आजाद भारत में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई है। भारत को आजादी मिलने के बाद इतिहास में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी होने जा रही है। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के एक लौते महिला फांसी घर में अमरोहा की शबनम को फांसी पर लटकाया जाना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। लिहाजा आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होंगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। फिलहाल रामपुर जेल प्रशासन शबनम के डेथ वारंट का इंतजार कर रही है। इसके लिए रामपुर जेल प्रशासन ने अमरोहा जिला अदालत में गुहार भी लगाई है। फांसी की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मेरठ के पवन जल्लाद इसको अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए पवन दो बार फांसी घर का दौरा भी कर चुके हैं। रामपुर जेल प्रभारी जेल अधीक्षक आर के वर्मा बताते हैं कि मुरादाबाद जेल से रामपुर आई थी, ये फांसी की सजा से दंडित है। अमरोहा जिला जेल से हमने डेथ वारंट मांगा है, अभी डेथ वारंट नहीं मिला। रामपुर जेल में एक महिला बंदी है जिसका नाम शबनम है जी, जिसको जो है वो फांसी की सजा हुई है, क्या मामला है? कुछ नहीं, इसको ये डिस्ट्रिक्ट जेल मुरादाबाद से स्थानांतरित होकर आई थी हमारे यहाँ, फांसी की सजा से दंडित है, इसका डेथ वारंट हमने कोर्ट से मांगा है इसका जनवरी में। रामपुर जेल के प्रभारी जेल अधीक्षक आर के वर्मा का कहना है कि शबनम महिला कैडर नंबर 14 से सजा काट रही है, डेथ वारंट मिलने के बाद उसको मथुरा जेल शिफ्ट किया जाएगा। वारंट का इंतजार है, जैसे ही हमको डेथ वारंट प्राप्त होगा कंसर्निंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज अमरोहा के यहाँ से, तो हम इसको स्थानांतरित कर देंगे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा के लिए। बिल्कुल सामान्य महिलाओं की तरह, सभी बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव है हमारे जेल प्रशासन के प्रति, बढ़िया है। कभी भागने की कोशिश की है इन्होंने? नहीं, कभी कभी इस तरह का कोई, जेल अनुशासन में ही रही पूरी तरह से। इसके साथ ही जेल अधीक्षक आर के वर्मा ने कहा कि शबनम का जेल में व्यवहार सामान्य है, जेल में वो बिल्कुल सामान्य महिलाओं की तरह ही रहती है, जेल प्रशासन के प्रति वो बहुत कोऑपरेटिव है। कुछ खास डिमांड करती है जेल में? नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं करी है। कुछ खाने की, पीने की? नहीं, कुछ अलग से कुछ नहीं, सामान्य रूप से जो भोजन व्यवस्था में जो हमारे रूटीन में है उसके अलावा कुछ अलग से कोई डिमांड नहीं करी है। रामपुर जेल के प्रभारी जेल अधीक्षक आर के वर्मा बताते हैं कि शबनम ने जेल प्रशासन से कोई डिमांड नहीं की है, भोजन व्यवस्था और सामान्य रूटीन भी फॉलो करती है, किसी प्रकार की कोई भी डिमांड पेश नहीं करती। फांसी, महिलाओं को फांसी देने की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा में। मथुरा में जी। तो अभी एक किस चीज़ का इंतजार है? हमें डेथ वारंट का इंतजार है, जैसे ही हमको डेथ वारंट प्राप्त होगा कंसर्निंग कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज अमरोहा के यहाँ से, तो हम इसको स्थानांतरित कर देंगे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा के लिए। आपका नाम और पद? मैं राकेश कुमार वर्मा, जेलर। फिलहाल फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मेरठ के पवन जल्लाद इसको अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए पवन दो बार फांसी घर का दौरा भी कर चुके हैं। जेल में सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोग बताते हैं, सलीम से मिलने के लिए शबनम पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाने लगी। जब परिवार सो जाता तो घर की छत के रास्ते से रोज सलीम मिलने आता था। हालांकि दोनों ने फिर एक ऐसा फैसला लिया जो दिल दहला देने वाला था।
14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम को घर बुलाया और परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। रात में शबनम और सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया और 10 महीने के भतीजे अर्श का गला काट कर मौत की नींद सुला दिया। बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने राष्ट्रपति को आरटीआई डाली थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि ये शबनम खान पहली महिला हैं जिसको आजादी से अब तक फांसी दी जानी है, जिनकी दया याचिका भी खारिज हो गई है। दानिश ने शबनम को फांसी दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा है कि शबनम ने जो कृत्य किया है उसके लिए उसको फांसी दी जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने 2017 में एक आरटीआई डाली थी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को। उस समय प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी थे। तो मैंने उसमें सवाल पूछा था कि आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक कितनी दया याचिकाएं खारिज की गई हैं, जिसमें से काफ़ी लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें शबनम और सलीम का भी नाम था। 52 खेड़ी कांड, जिसमें एक मासूम बच्चे से लेकर पूरे परिवार का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उस समय बसपा की सरकार थी। तो भारत की आज़ादी से लेकर अब तक शबनम पहली एक ऐसी महिला होगी जिसको फांसी की सजा दी जाएगी। इनका डेथ वारंट जारी हो गया। आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान बताते हैं कि शबनम पहली महिला है जिसको फांसी की सजा दी गई है। उसने एक मासूम भतीजे को, जिसकी उम्र 2 साल की थी, और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। तो ऐसे लोगों को जरूर फांसी मिलना चाहिए, फांसी दिलाने की। आपको बताते चले कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से अब तक निचली अदालतों द्वारा कुल 1617 कैदियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से केवल 71 मामलों में मृत्युदंड की पुष्टि हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार 1947 से अब तक भारत में कुल 755 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। भारतीय विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 1953 से 1963 तक मृत्युदंड प्राप्त लोगों की संख्या 1410 है।